मैं आप लोगों को इसमें ये बता, हरा भरा मौसम हो रहा है, बहुत स्पीड में गाड़ी चलती है, उनको टच कर रहे हैं, देखो एक दो 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 और ये तीन लोकोमोटिव खड़े हैं इलेक्ट्रिक वो भी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। ये एक ट्रैवलिंग व्लॉग है जो हो रहा है भीलवाड़ा से जयपुर। हम जा रहे हैं जयपुर और आज हम अर्ली मॉर्निंग मतलब जल्दी जा रहे हैं। अभी हम प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे चल रहे हैं और वो इसलिए क्योंकि प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर हमारी गाड़ी आएगी और वहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा होती, तो हमें एक खाली जगह चाहिए होती ताकि हम व्लॉगिंग कर सकें, आप लोगों से बात कर सकें। तो भीलवाड़ा से जो पहली गाड़ी जयपुर के लिए जाती है वो उदयपुर जयपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस है जो 9 बजे आती है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। ये इकलौती गाड़ी है जिसमें आपको जर्नल का टिकट मिल जाएगा, तो लेकिन हमने 2S का टिकट लिया है क्योंकि हमें 2S की सीट चाहिए थी। इस गाड़ी का नंबर है 12991। तो हम अभी हम प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर बैठे हैं क्योंकि 1 पर बहुत ज्यादा भीड़ है, 2 पर शांति है, इसलिए हम यहाँ पर आके बैठे हैं। टाइम तो हो रहा है 8:50 हुआ है, गाड़ी हमारी 9 बजे आएगी। फाइनली प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर जा रहे हैं क्योंकि गाड़ी 5 मिनट में आने वाली है। मैं काफ़ी टाइम बाद एयरफोन लगा के रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। हमारी गाड़ी फिर से रोक दी गई है, किसी ने चैन खींच दी इसलिए रुक गई है गाड़ी। बहुत फास्ट है, बहुत ज़्यादा स्पीड में चलने वाली है क्योंकि अभी जैसे ही स्टार्ट हुई ना वैसे ही इतनी स्पीड में आ गई। यहाँ पर किसी ने चैन खींच दी इसलिए गाड़ी रुक गई है। अब देखते हैं कितनी देर रुकेगी, उसके बाद में कितनी देर बाद यहाँ से चलने वाली है। गाड़ी बहुत ज़्यादा फास्ट है, बहुत ज़्यादा मतलब इतनी ज़्यादा स्पीड में चल रही है ना कि मैं बहुत ज़्यादा अंदर हूँ बाहर नहीं हूँ। मैं आप लोगों को इसमें ये बताने वाला हूँ कि अगर आप इस गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हो और 2S की सीट ले रहे हो तो 2S में अलग सीटिंग है और जर्नल के अलग डिब्बे हैं। सो इसका पहला स्टॉप है मांडल। मैं पहली बार इस गाड़ी में देख रहा हूँ कि ये मांडल में रुक गई है। मांडल यहाँ से भीलवाड़ा से 10 किलोमीटर है, 10-12 किलोमीटर है, बट यहाँ गाड़ी रुक गई। बताओ ये पहला स्टॉप है यार, यहाँ पर गाड़ी रुक गई, ये मेरे लिए नया एक्सपीरियंस है। गाड़ी अभी हमारी 1 मिनट में चलने वाली है, हॉर्न बज गया, गाड़ी में बैठते हैं। गुलाबपुरा 2 सेकंड के लिए रुकी है, वो चलने भी लग गई। यार ये थोड़ा मतलब बहुत ज़्यादा फास्ट है, गाड़ी रुक नहीं रही है, थोड़ा अजीब सा लग रहा है। बाय बाय गुलाबपुरा। तो अब मिलते हैं अगले स्टॉप पर, विजयनगर। अगला स्टॉप ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर बाद आने वाला है, विजयनगर रेलवे स्टेशन। आई डोंट नो मेरी वॉइस कितनी हो रही हो, रिकॉर्ड हो रही होगी क्योंकि यहाँ साउंड बहुत आ रहा है इसलिए, और मैंने मास्क भी नहीं लगाया अभी। हमारा कोच देख रहो, यहाँ पे 2 मिनट का स्टॉप है इसलिए मैं नीचे नहीं जा रहा हूँ क्योंकि अगर मैं नीचे जाऊँगा तो मैं नीचे ही रह जाऊँगा। बाहर का मौसम देखो कितना ज़्यादा खूबसूरत हो रहा है, बारिश की वजह से यहाँ बहुत ज़्यादा ग्रीनरी हो रही है। मैं अपना फ़ोन ज़्यादा बाहर लेके जाऊँगा क्योंकि बाहर बारिश हो रही है तो मेरा फ़ोन गीला हो जाएगा। मैं यहाँ पर एक टाइम लैप लेता हूँ। सो अब हम पहुँच चुके हैं नसीराबाद का कचौरा।
आज मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, लाइक बारिश देख लो आप, मतलब बारिश हो रही है और एकदम हरा भरा मौसम हो रहा है। हमारी गाड़ी टर्न हो रही है, बहुत ज़्यादा कर्व हो रही है, मुड़ रही है, वो रहा इंजन, इलेक्ट्रिक इंजन है। और उसके बाद में तीन तो रेड कलर के डिब्बे हैं और बाकी सारे स्काई एंड ब्लू कलर के डिब्बे हैं। 2 मिनट का होल्ड है यहाँ पर भी, सिर्फ 2 मिनट का। मैं सीट से नीचे नहीं उतर रहा हूँ क्योंकि ये गाड़ी बहुत सुपर फास्ट है, मैं नीचे इसलिए नहीं उतरता हूँ, 2 मिनट का होल्ड होता है इसका, ज़्यादा देर रुकती भी नहीं है, इसलिए मैंने सोचा छोड़ो जब तक अजमेर नहीं आता तब तक हम नीचे नहीं उतरेंगे। गाड़ी काफ़ी अच्छी है, अगर आप लाइक ट्रैवल करना चाहो तो बहुत स्पीड में गाड़ी चलती है और बहुत अच्छी है। मेंटेनेंस इसका अच्छा है, कंडीशन इसकी अच्छी है, बट इसके सीटिंग का थोड़ा अलग है, 2S का अलग है, जनरल का अलग है और AC का अलग है, इकोनॉमिक का अलग है, तो ये सारी चीज़ें अलग अलग है। ये आपको वेयर इज़ माई ऐप और मेक माई ट्रिप ऐप पर पता चल जाएगा। सो हमारी गाड़ी चल चुकी है तो मैं बैक से शूट करता हूँ क्योंकि यहाँ पर एक अच्छा सा कर्व आने वाला है, आ रहा होगा, आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा, तो हम उसको शूट करते हैं। ठीक है, अभी नहीं आया, आने वाला है तो हम उसी को शूट करते हैं। अभी व्यू कितना अच्छा आने वाला है ना, लाइक व्यू देखो कितना अच्छा आने वाला है, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना कैप्चर करता हूँ। ये है पहाड़ और ऊपर जो मौसम हो रहा है ना, बादल पहाड़ों की चोटी को टच कर रहे हैं, देखो। अभी हम ऐसा करते हैं कि लाइक ऐसी बात करते हैं, यहाँ का नज़ारा देखो यार कितना खूबसूरत है। इस साइड में खेत कम है, पहाड़ ज़्यादा है, इस पहाड़ों के उस पार अजमेर आता है। व्यू है ना खूबसूरत। अब आप ये देखो, मतलब इतना अच्छा रास्ता है ना कि लाइक वो हमारी गाड़ी कब हो रही है, पहाड़ों की तरफ जा रही है, लाइक बहुत अच्छा रास्ता ही है। हम धीरे धीरे पहाड़ों के पास पहुंच रहे हैं और पहाड़ और पास आते जा रहे हैं। अजमेर पहुंच चुके हैं, लाइक गाड़ी स्टेशन पे पहुंच रही है, लेकिन मैं आपको चीज़ें दिखाना चाहता हूँ बैक साइड की। ठीक है, हल्की हल्की बारिश आ रही है और ऊपर देखो क्या मस्त नज़ारा है यहाँ का, है ना कि लाइक ये ऐसा इसलिए है, मैं आपको रीज़न बताता हूँ, बारिश हो रही है ना तो ऊपर पहाड़ के ऊपर बादल है और अजमेर सही सलामत पहुँच चुके हैं। बारिश हो रही है, ठंडा मौसम है, मैंने मास्क इसलिए लगाया ताकि मेरी वॉइस रिकॉर्ड हो जाए, क्योंकि मैं माइक का यूज़ कर रहा हूँ इसलिए, मतलब एयरफोन का यूज़ कर रहा हूँ इसलिए माइक का यूज़ नहीं कर रहा हूँ। है एक दो 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 और ये तीन, तीन लोकोमोटिव खड़े हैं इलेक्ट्रिक वो भी। ओ ये है हमारी गाड़ी जो मैं अब आप लोगों को दिखा देता हूँ, शायद उस टाइम मैंने नहीं दिखाया होगा। हम पहुँच चुके हैं अजमेर जंक्शन रेलवे स्टेशन पे, ये है अजमेर जंक्शन रेलवे स्टेशन, प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे है, प्लेटफॉर्म नंबर 1 2 3 4 5 मेरे बैक साइड में है। हमारी गाड़ी यहाँ से 11:22 पे चलेगी और अभी बज रहा है 11:12, मतलब अभी टाइम हो रहा है 11:12, तो हमारे पास 10 मिनट है यार। ऐसा पहली बार हो रहा है कि मतलब इतनी ज़्यादा रुक रही है गाड़ी, अभी तक बीच में 2-2 मिनट का स्टॉप था यार, हम नीचे भी नहीं उतर पा रहे थे, यहाँ पर फिर भी हम नीचे उतर रहे हैं, थोड़ा बहुत कैप्चर कर रहे हैं, व्लॉगिंग कर रहे हैं, उस अकॉर्डिंग मुझे अच्छा लग रहा है। मौसम बहुत ठंडा है, बहुत ज़्यादा ठंडा है, हम ये जयपुर तक रखेंगे, ठीक है, जयपुर के आगे नहीं रखेंगे क्योंकि व्लॉग बहुत बड़ा हो जाएगा उस अकॉर्डिंग। हमेशा जब भी हम यहाँ पर आते थे तो 1 घंटे रुकते थे, अब की बार हमने गाड़ी चेंज की इसलिए हम नहीं रुकेंगे, हम अभी यहाँ से निकलने वाले हैं अजमेर जंक्शन रेलवे स्टेशन से। ये बहुत अच्छा टर्न आने वाला है, बहुत अच्छा कर्व आने वाला है, बट मैं कोशिश नहीं कर रहा हूँ उसको कैप्चर करने की, या बारिश तो नहीं हो रही, कोशिश करता हूँ कैप्चर करने की, ठीक है, टाइम लैप लूँगा। हाँ थोड़ी देर बाद बहुत फास्ट होने वाली है, विद इन ए सेकेंड, मतलब यहाँ से तिरंगा बहुत अच्छा आ रहा है, लाइक ओहो इसी चीज़ को हम कैप्चर करना चाहते थे बट नहीं हुआ। अभी बहुत भीड़ हो रही है, उस टाइम जब मैं लॉकडाउन में ट्रैवल किया करता था तब तो भीड़ नहीं होती थी, और इसलिए इस गाड़ी को प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे डाला हुआ है।
अजमेर जंक्शन। सुबह क्या अभी तो 11:23 हो रहा है, तो अभी का ये मतलब सीन है। सुबह का सीन पता नहीं है, लेकिन दोपहर में भी कम होती है भीड़, दोपहर में नहीं होती है। इंडियन रेलवे वडोदरा, तो अजमेर जंक्शन को हम छोड़ रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। अब हवा नहीं चल रहा है इसलिए तिरंगा नहीं लहरा रहा है। सारे लोग जर्नल डिब्बा पूछ रहे हैं, जर्नल में भीड़ ज़्यादा होती है लेकिन इन डिब्बों में ज़्यादा भीड़ नहीं है। 2S के डिब्बे हैं, इसमें रिजर्वेशन कराना पड़ेगा, देन जाके आप इसे बैठ सकते हो। गाड़ी चलने दो, हॉर्न बजने दो, देन जाके हम गाड़ी में बैठेंगे। गाड़ी पूरी खाली है और स्टेशन पे स्टेशन आ रहे हैं, हम ना तो फ़ोन चार्ज कर पा रहे हैं क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी स्टेशन आ रहे हैं। गाड़ी बहुत फास्ट चल रही है। किशनगढ़ खाली स्टेशन है ना, गाड़ी का होन आ गया और गाड़ी चलने भी लग गई। तो ऐसा करते हैं, हम एक टाइम लैप लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। मतलब टाइम लैप के साथ इसको अलविदा करते हैं। वैसे अभी मैंने कुछ खाया नहीं है क्योंकि मैं खाना लेके आया हूँ, लेकिन वो खाना मैं सिर्फ जयपुर में ही खाऊंगा क्योंकि उससे पहले खा लूँगा तो मुझे भूख लग जाएगी जयपुर में। अभी तो भूख ही नहीं लग रही इतनी, और ना ही मैंने सुबह की चाय पी है तो वो भी मैं जयपुर में जाके पीऊँगा। अगर रास्ते में कहीं मिल गई तो पी लूँगा, अगर नहीं मिली तो नहीं पीऊँगा। सी बारिश हो रही है यार, मौसम देख लो, बारिश हो रही है। सो ये है लगेज गुड्स कैरियर ट्रेन का गोदाम। बाहर साइड का व्यू देखो कितना सुंदर आ रहा है। अभी मैंने माइक लगा लिया जिसकी वजह से बाहर का साउंड कम आए। ये है हमारी ट्रेन जो पूरी खाली हो चुकी है। और ये है बाहर का व्यू। और फाइनली विद इन 10-20 मिनट में हम जयपुर जंक्शन पहुंच रहे हैं, 10-20 मिनट में बस, क्योंकि हम काफ़ी पास में आ चुके हैं और गाड़ी बहुत फास्ट चल रही है। अभी बारिश हो रही थी, पीछे निकल गई, अभी हम धीरे नहीं थोड़ा जल्दी जयपुर पहुंच रहे हैं। तो जयपुर जल्दी आए और इस गाड़ी से उतरते हैं, ठीक है। सो ये थी हमारी गाड़ी, ये थी हमारी सीट, अब तो पूरी गाड़ी खाली हो चुकी है, हम जयपुर फाइनली पहुंच चुके हैं, तो उतरते हैं। ये वापस उदयपुर है ना, 2 बजे, 1:22 से आइए, 1:34 का टाइम था। अब ये गाड़ी 2 बजे वापस जयपुर से उदयपुर जाने वाली है। जो दूसरी गाड़ी जो होती है ना, वो यही गाड़ी है। पहली 6:20 पे चलती है जयपुर टू उदयपुर, दूसरी गाड़ी 2 बजे चलती है, वो यही गाड़ी है। अब ये गाड़ी 2 बजे, जब 2 बजेगा तो यहाँ से जयपुर से सीधा उदयपुर जाएगी, भीलवाड़ा होते हुए जाएगी। तो ये है वो गाड़ी, तो फाइनली हमें पता चल गया, इसीलिए लोग आने लग गए तो हमने सोचा पूछ लिया। ओह माय गॉड, जयपुर पहुंच गए हैं। सो इसको एंड करते हैं अब, ठीक है। आई होप आपको ये जर्नी पसंद आई होगी जयपुर।
बाय बाय बाय। शरद ट्रैवल ब्लॉग, शरद ट्रैवल ब्लॉग, हाँ शरद लिखना आ जाएगा, ठीक है ठीक है, बाय। सो यहाँ पे काफ़ी लोग मिले जो चैनल को सब्सक्राइब किया, सो अब इसको एंड करते हैं, ठीक है। ये जो जर्नी थी भीलवाड़ा से जयपुर की, काफ़ी अमेजिंग थी, मौसम बहुत अच्छा है, ठंडा मौसम है, तो हम इसको एंड करते हैं, ठीक है। और एक चीज़ जो बोलना मैं भूल गया, अगर आप लोग नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब करना, देखो वीडियो देख ले तो सब्सक्राइब नहीं करते तो मुझे बहुत बुरा लगता है, तो सब्सक्राइब करो यार, आपके सब्सक्राइब करने से आपको कुछ भी नहीं जाता लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात होती है, तो सब्सक्राइब करो, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, और अगर देखना चाहते हो तो प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन ऑफ माई नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोज़। सो बाय 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 बाय, उस साइड में गाड़ी जा रही है तो बाय बाय।